वो सिक्योरिटी वालों की नजर में था, लेकिन कुछ दिनों से वो रडार से गायब हो गया। किसकी नाकामी है, किसका फेलियर है? ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी सिक्योरिटी ठीक करनी पड़ेगी ताकि दोबारा इस तरह का रिपीट एक्शन ना हो, नंबर एक। नंबर दो, रिटेलिएशन तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो पब्लिक को क्या जवाब देंगे आप कि इतना बड़ा एक्शन हो गया, खून खराबा हो गया, इतने 42 लोग और करीब 50 लोग DI लिस्ट पे हॉस्पिटल में हैं, उनकी और भी कैजुअलिटीज होंगी। प्रहलाद जी, आप करगिल योद्धा भी हैं, ये जो घटना है इससे आप क्या कहेंगे कि बस क्या आप बदला लेना ही होगा? अब बयानबाजी बंद हो प्रहलाद जी। सबसे पहले तो मैं उन CRPF के जवानों को, जो 44 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार को, उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चों को भगवान इस संकट से बाहर लाए। रही बात बदला लेने की, तो इस मामले के अंदर टेररिस्ट बैकफुट पे जा चुके हैं। अब ये नीची हरकत करते हैं और नीची हरकत ही करेंगे, सामने लड़ने की इनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और ये छुपके वार करना, सामने से 3-4 आएंगे तो आर्मी उसको सलटा देगी। वो क्या करते हैं कि छुप के बैकडोर से सपोर्ट आईडी वगैरह लगा करके, बैकडोर से सपोर्ट इनको मिल रहा है, घटिया हथकंडे अपनाते हैं। तो इनको जो इनके आका बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे, लोकल सपोर्ट के बगैर गाड़ी कहाँ से आ गया, आईडी कहाँ से आ गया, इतना 3.5 क्विंटल आईडी कहाँ से इकट्ठा कर लिया उन्होंने? तो लोकल सपोर्ट है, उस लोकल सपोर्ट को वहाँ से ध्वस्त करना पड़ेगा और इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको और थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। पहले एक हुआ था कि जब रोड ओपनिंग होती थी तो जो साइड से रोडें आती थी उनको 500 मीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया जाता था। एक कांड हुआ था कि एक आया तो वो बंदा एक बैरियर को तोड़ा, दो को तोड़ा, तीसरे को तोड़ा, तो संतरी ने उसको ठोक दिया, तो वो खत्म हो गया। इतना बड़ा हंगामा किया कि वो आज संतरी जेल में बैठा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो भी गाड़ी हो सकती है आईडी लेकर के हाईवे के अंदर कानबाई के अंदर घुस जाती जी। सूरज सोनी जी, ये जो स्थितियां बनी है किसकी वजह से बनी है? क्या ये सियासत की भेंट चढ़ रही है शहादत? एग्जैक्ट बिल्कुल यही शब्द है, सियासती भेंट के द्वारा चढ़ने के कारण ही आज हमको दिन देखने पड़ रहे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवाजी राठौड़, आनंद मौर्य, छगन दाल, विश्वेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह और उससे पहले शहीद हुए जगदीश प्रकाश समेत ये 44 तो ये शहीद, इसके अलावा हजारों वो शहीद जो 20 सालों के अंदर देश जिनको खो चुका है, क्या गलती थी उनकी? मुझे उन परिवारों के मानवाधिकार की चिंता हो रही है। और आज देखिए देश के अंदर हालात ये कि विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग गुटों में बंटे हुए, करें मुद्दों पर राजनीति, लेकिन देश की सीमाओं के लिए, देश की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए और केंद्र जो पड़ोसी मुल्क से हमारा संबंध है उसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, 20 नेता और पत्रकार खड़े होकर के सामने सबूत मांगते हैं, मानवाधिकार आयोग जो है संगठन मानवाधिकारों के जो कार्यकर्ता है वो जवाब मांगते हैं। ये तमाम चीजें जिम्मेदारी चीज के लिए जो आज परिस्थितियां बन रही है, पूरा देश खड़ा है, 125 करोड़ देश की जो लोग हैं, कैसे सर्जरी होगी आतंकवाद की, उनकी भावनाएं देश की सर्जरी कैसे होगी और पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्योंकि आप सरकार 5 साल 4 साल 4.5 साल का परफॉर्मेंस हो चुका है और 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो घटनाएं और बड़ी हैं सर, सीज़फ़ायर के उल्लंघन की बात हो या फिर इस तरह के अटैक्स की बात हो। सुषमा जी, सरकारों का इशू नहीं है, सरकारें आएगी जाएंगी। दिनेश जी से जवाब, आज देश में जो हालात पनप रहे हैं वो एक दिन के हालात नहीं है, तमाम लोगों को खड़े होना पड़ेगा। आज जो पार्टियां कह रही, कांग्रेस पार्टी ने भी काम साथ है, आप 2-3 साल पहले कहां चले गए थे? बिल्कुल दिनेश जी, दिनेश जी, सबसे पहले ये जो हालात आपने उत्पन्न कर दिए, इन हालातों से निपटना होगा, सूरज जी, दिनेश जी, और पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। सबसे पहले तो मैं मेरे देश के उन सपूतों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उनके परिवारों को कहना चाहूंगा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ये आपके सब आपके बच्चे नहीं है। सही मायने में हम खड़े होते हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा देश गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ, आप भी गुस्से में हो, लेकिन गुस्से में और हड़बड़ी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन कितना इंतजार सर, हड़बड़ी की बात नहीं है, लगातार 16 के सर्जिकल उरी अटैक जो हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से, आपने अगर आर्मी डे की रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें लगातार जो शहादत हुई है वो इसी में हुई है, सीज़फ़ायर का उल्लंघन और आतंकी जो अटैक्स हो रहे हैं, इतना तो किसी युद्ध में नहीं हुई कभी, तो आप कितनी हड़बड़ी और कितना इंतजार करेंगे अगर इसे भी हड़बड़ी कहेंगे तो? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सही समय पर, सही जगह पर और ये कार्रवाई सरकार करेगी और निश्चित करेगी, क्योंकि ये एक देश के प्रधानमंत्री का वादा है।
चले मोती सिंह जी, आप खुद एक कर्नल हैं और आप बीजेपी में भी हैं, आपसे सवाल है कि सबको पता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कहां से मिल रहा, अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे थे, सख्ती दिखाई थी, लेकिन चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो हम एक तरफ तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कहते बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम चाइना से गलभैया भी करते हैं सब कुछ जानते हुए भी, तो ये तो कोई स्ट्रैटेजी भी ना, अगर ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी तो शायद यही हालत होगी देश की। भैया आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के, कोई जरूरी नहीं कि आप ऑल आउट वॉर में पाकिस्तान के जाएं। नहीं तो वॉर की तो बात ही नहीं हुई ना, लेकिन अगर चाइना सपोर्ट करा, मसूद अजहर का जो मामला है, आप सोचिए कि चाइना लगातार अड़ंगे डाल रहा है, चाइना से फिर भी जाके दोस्ती करते हैं, अनऑफिशियल मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। चाइना सपोर्ट जब से पाकिस्तान पैदा हुआ तब से कर रहा है, वो कंटिन्यूसली करता रहेगा, वो तो आप मान के चलिए कि आपके दो दुश्मन है, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और दोनों कल कुछ होता है तो एक दूसरे की मदद करेंगे। मेरा पॉइंट थोड़ा हटके है जी। कि आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत ही हिम्मत वाला काम किया, उसके बाद चुप क्यों हो गए? क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई थी? सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर एवरी 10 डेज 20 डेज 30 डेज क्यों नहीं कर सकते आप? और अभी भी क्या परेशानी क्या है? आर्मी तो तैयार है, अच्छा पॉलिटिकल विल तैयार है कि नहीं वो दूसरी बात है। अच्छा विकेशी की तरफ इशारा है कि आप जब पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इतनी सारी बातें हो गई थी कि कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिरने की बात भी आ गई थी सामने, तो आप सपोर्ट की बात क्यों नहीं करते तब से कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हम पीछे हैं, अब क्यों? सर फिर वही सवाल है, क्योंकि बहुत वक्त जाया हुआ है, बहुत शहादतें हो गई, बहुत खून खराबा हो गया है। मैडम प्रधानमंत्री जी, ये सबसे पहला तो ये जो विषय है पूरा देश में ये आवाज उठी है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो ये मुद्दा है वो देश हित का है और हम सब पहले इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल हम बाद में सब पार्टियों में जातियों में धर्मों में बाद में हम सब लोग हिंदुस्तानी है और हमारे मन में अगर ये विचार नहीं आता और हम सब पार्टी और इसमें बांट देंगे तो दूसरे देशों को ये होता है कि इस देश में ना राजनीति में ही सब बटे हुए हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, जो कर्नल साहब ने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसके बाद आप क्रेडिट लो क्रेडिट लो नहीं लो वो एक अलग विषय, लेकिन अरे आपने भी तो सभी मांग लिए थे। अभ्यास नहीं मैडम, सबूत तो आपने भी मांग लिए थे। नहीं मैडम, कांग्रेस पार्टी आप देखना जब से आजादी की लड़ाई लड़ी तब से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास रहा है, हम आज भी सेना के साथ में और जिसका भी कोई विपक्ष का हमारे जितने भी चाइना है पाकिस्तान है उसके अपने देश के बारे में कोई बात आती है, देश के सेना देश के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा जाता है इस देश में। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो जो घायल हैं जवान उनको देखने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, और आपको बता दें कि ये वो वीर जवान हैं जो उस हमले का शिकार हुए थे। तो राजनाथ सिंह को अभी आपने सुना था, वो कह रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा बलों की अब स्ट्रेटजी पर काम किया जाएगा, पूरी तरह से फ्री हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, लेकिन कैसे लिया जाएगा उसी पर हम लगातार बात कर। दिनेश जी, जी दिनेश पाठक जी, जी सबसे पहले तो समस्या के जड़ में जाने की बात है कि समस्या ये आतंकवादी नहीं है, ये है जिहाद चल रहा है, ये रेडिकलाइजेशन चल रहा है देश में और इसका उपाय सबसे पहले करना जरूरी है। सर इसके पीछे हम सियासत को क्यों ना कहें? जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां सबसे ज्यादा, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं वहां के युवाओं को बरगलाया जाता है, बहलाया जाता है, गुमराह किया जाता है, मैं उसी पे आ रहा हूं। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे वहां की लोकल पार्टियां, जब लोग पत्थर आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थर फेंकते हैं सेना पर तो लोग उनके पैर भी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, पैलेट गन का उपयोग होता है तो संसद तक में हंगामा होता है, और जब वही लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कहते हैं साहब हम हिंदुस्तानी हैं, अब हम उनकी पैरवी नहीं कर रहे अब। और अभी सुन अभी अब दो चार दिन की बात है, यही लोग दो चार दिन बाद फिर वही राजनीति करेंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कैसी है? क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत नहीं प्रहलाद जी, कि हम चाइना से मुलाकात भी करते हैं, वो चाइना जो हमारे पीठ पर खंजर घोप रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, मसूद अजहर को लेकर जितनी बार भारत ने कोशिश की चाइना की वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसी स्ट्रेटेजी का क्या फायदा है सर? देखिए चाइना बैकडोर से एंट्री कर रहा है, मूल जो है ये चाइना का ही है, नहीं पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, हथियार वगैरह जो भी मिलिटेंट्स के पास मिलते हैं वो 80-90% इंस्ट्रूमेंट वगैरह टोटल चाइना से आता है, वीटो का इस्तेमाल कर देता है चाइना मसूद अजहर को बचाने के लिए। अब चाइना मदद करता है वही तो कर रही है, इतनी मुलाकातें होती है गलभैया होती है लेकिन इस मुद्दे को लेकर कहते कोई बात ही नहीं हुई, ये बड़ी इस मुद्दे को तो पॉलिटिक्स करेंगे ना, सेना नहीं कर सकती ना मैडम जी, सेना नहीं कर सकती है तो पॉलिटिक्स से करेंगे, तो चाइना से ही सपोर्ट मिलता है, चाइना के हथियार चाइना का इंस्ट्रूमेंट
गोला बारूद टोटल के टोटल इन्फिल्ट्रेशन होकर के आते हैं, जब पकड़े जाते हैं उनके सारे सबूत आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी, सबूत दिखा दिए जाते हैं बस जय श्री राम। सर एक सवाल है मोती जी, आप क्योंकि एक कर्नल भी हैं और फिर से बीजेपी नेता के नाते भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान का जो अब खत्म करने का फैसला लिया गया सीसीएस की बैठक में, इसे पहले क्यों नहीं लिया गया? वो पहले क्यों नहीं लिया गया इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो किया है ये खात्मा वो ठीक है, उससे पाकिस्तान को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों ट्रेड वॉर जो हो रहेगी उस पे टू स्मॉल और कंट्रीज बहुत बैठे हैं उनकी मदद करने वाले। मैं तो ये कहूंगा कि आप थोड़ा आपके जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है जी इसको खत्म करिए। इसको लेकर भी कोशिशें भी पीछे बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी बयानबाजी में लेकिन फिर खत्म हो गया वो जब खत्म होगी तो वो अपने आप थोड़ा उनको पानी कभी होगी। उरी हमले के समय के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक उस समय पर ये मसला खूब उठाया गया उसके बाद तो खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया, आप सर क्रिक में एक्शन लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत से हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। कौन करवाएगा? आतंकवादी देश घोषित करना हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी वही होगा, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे होगा लेकिन पैर भी तो सरकार करेगी ना, वो तो कर ही रहे हैं लगातार। एक बात थी, इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को ये टुकड़े करवा के पूरा विभाजन करवाया था तब वो पूरे विश्व में सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से मिलने गए थे और उनसे फेवर मांगा और बताया कि हमारे देश में इतने सारे मेरी प्रॉब्लम हो रही, शरणार्थी आ गए, मैं इस देश को कैसे चलाऊं, और कई देशों ने फिर समर्थन दिया। इसके बाद में इन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर और उसको बांग्लादेश को अलग करवाया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मन लो अगर चाहे कि इसको अलग करवाना और इस प्रॉब्लम की फिर सियासत की बात आपने कर दी, यूपी गवर्नमेंट के समय क्या हमले नहीं हो रहे थे? यूपी गवर्नमेंट में क्या हमले नहीं हो रहे थे सर? नहीं मेरी बात सुनिए, यूपी गवर्नमेंट में यूपी टू में कितने हमले हुए थे? मैडम हम आपको एक बात कहते हैं कि सियासत मत कीजिए सर, ये बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है। कौन राजनीति से सब ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं? कौन ना कह रहा कि अभी कार्रवाई मत करो, हम तो पूरा देश का पूरी 130 करोड़ जनता चाहती है कि पाकिस्तान को ठोक दो और पार की लड़ाई करो, हम तो ये चाहते हैं। हमला होते ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब तक 17 हमले हो चुके हैं, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? ये कांग्रेस कभी इस चीज को राजनीति नहीं करती है। अब आज आप काम नहीं कर पा रहे हैं। जेएनयू में राहुल गांधी क्या करने गए थे वहां पे? कभी भी नहीं, कांग्रेस पार्टी का टुकड़े होंगे, कांग्रेस वाली गैंग के साथ जाकर कांग्रेस पार्टी का मैडम एक स्टैंड है कि हम सेना के साथ है, पत्थरबाज है, उनकी पैरवी करते हैं। बीजेपी नेता के हैसियत से बताइए कि जब अलगाववादियों से आप अलग रहने की बात करते हैं तो सरकार बनाने के लिए साथ में आ जाते हैं और जब पॉलिटिकल नफा नुकसान की बारी आती तो पीछे हाथ खींच लेते हैं। भाई कश्मीर की हालत अगर इतनी खराब थी तो आपसे उम्मीद थी कि आप अच्छा करेंगे। एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड आई एम नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन टू आंसर, बट लेट मी टेल यू वन और टू थिंग्स। फर्स्ट यू सॉर्ट आउट योर ओन होम, दैट इज कश्मीर। कश्मीर में आपने आर्टिकल 370 दे रखा है, तो फायदा लोग उठा रहे हैं ना, उसी का फायदा तो बाहर वाले उठा रहे हैं ना, उठाओ उसको, जड़ी वही है। आर्टिकल 35 हटाइए उसको, जाने दीजिए जो हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ मकान बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी एक राजनीतिक परिपक्वता की भी कमी है, तो हुआ नहीं। वी हैव टू बी स्लाइटली स्ट्रिक्ट और इतने सारे जो पैसे हम प्रहलाद जी वक्त नहीं बचा है, सर्जरी कैसे होगी, कैसे हम ये कहें कि हाँ अब और शहादतें नहीं होंगी? पाकिस्तान को ऐसा सबक जरूरी है क्या और कैसा सबक होना चाहिए कि वो हमेशा याद रखे? देखो सबक तो पहले भी सिखाते आ रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, वो नीचे रखते हैं, छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी सामने सीधा आमने सामने लड़ाई नहीं कर सकता। तो वो छद्म युद्ध छेड़ता है, छद्म युद्ध से भी नीचे आ गया। लेकिन आप जो कोशिश की जा रही है, जो आप सीसीएस की बैठक में कहा गया था वो बहुत कम हो चुका है। सीसीएस की बैठक में जो एक दो अहम बात निकल कर आई कि 1986 का जो प्रस्ताव था जो आतंकवाद को परिभाषित करता है उसको पास करवाया जाएगा बाकी देशों से बात करके, प्रेशर डाल के, क्या उससे कुछ संभावना दिखती है कि पाकिस्तान पर कुछ नकेल कसी जा सकेगी उसके जरिए, या फिर युद्ध ही इसका एक सबब सीधा अपने आप को टेररिस्ट मान रहे हैं तो इस आर्ट उसको जुड़वाने से कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, वो अपनी हरकतों से नहीं है बाज आएगा, उसको तो बार बार ठोको, अपना बचाव रखो, बार बार ठोको। और जो कल घटना हुई है ये जैसे कर्नल साहब ने कहा ये खुद की अपनी लापरवाही थी। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, एक नहीं कई सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है क्या? ये इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहूंगी इसमें सबसे ज्यादा, क्रॉस बॉर्डर भी, दोनों तरीके की स्ट्राइकें होंगी जब जाकर के काबू में आएंगे। संक्षेप में एक एक लास्ट कमेंट सर, पॉलिटिकल सुषमा जी हमारी सेना है पूरी तरह सक्षम है, बॉर्डर को जो करना है उनको वो करेंगे अपने स्तर पे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो आतंकवादियों की शरणागाह है
जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं, जो पत्थरबाज हैं, हमारे अंदर है, मोती सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, यू आस्किंग मी? जी जी, ऐसा है कि जहां तक पाकिस्तान को आर पार की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, वो आज के संदर्भ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर स्टेट है, आप भी न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो वो जो कीड़ा भपकी भपकी देता उससे डर के बैठ जाए क्या? दैट इज द ओनली रीजन यू कैन नॉट अटैक। वो 71 की बात नहीं है, ठीक है ना? अभी चाइना आल्सो न्यूक्लियर स्टेट, आप भी हैं, न्यूक्लियर वेपन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस डर से हम बैठे रहेंगे क्या? भले वो दूसरी बात है, वो पॉलिटिकल, इस डर से हम बैठे रहेंगे क्या? कॉन्वेंशनल वॉरफेयर में टॉप 5 वर्ल्ड में जो हमारी सेना है वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी क्या? भाई वो तो पॉलिटिकल लीडर्स बताएंगे कि आपने क्या वेपन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, संक्षेप में दिनेश जी, पॉलिटिकल बिल पावर का बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक समय था जब जगमोहन राज्यपाल हुआ करते थे तो उस समय आतंकवादियों में खौफ हुआ करता था। इस बार पूरे देश के नेता सभी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पॉलिटिकल बिल पावर की बात कही जा रही है और ये तमाम दल कह रहे हैं कि हम साथ में, लेकिन क्या वाकई में ये पॉलिटिकल बिल पावर आगे बनी रहेगी? क्या वाकई में हम सब मिल करके ये सियासत के बगैर, बयानबाजी के बगैर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा? और आज जो बैठक में फैसला लिया गया है सीसीएस की बैठक में, क्या वो अमली जामा पहन पाएगा और क्या वाकई में चाइना को भी अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? क्योंकि अभी भी चाइना बाज नहीं आया है इस पूरी घटना के बाद, निंदा तो की है लेकिन मसूद अजहर को लेकर कुछ क्लियर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से नहीं किया गया है। वैसे में क्या विश्व की बाकी जो शक्तियां हैं वो भारत के साथ आएंगी या फिर एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ही पाकिस्तान को निस्तेनाबूद किया जाएगा, आतंक को जड़ से खत्म किया जाएगा? फिलहाल के लिए आज इतना है।